साथ है ममता जी। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। मुझे मैडम की लगी है कि उनका नेचर एकदम सिंपल है, कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई जितने भी होता है कि यार उनके 2 पॉइंट समथिंग मिलियन के करीबन उनके यूट्यूब फैमिली है, उसके बाद भी उनमें थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं है। मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम मैं आपके साथ वीडियो बना सकता हूँ, एक सिंपल बंदा। मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैं देसी गुरुजी और मेरे यूट्यूब चैनल है, शायद उसके बाद में वो मेरे को अलग से ट्रीट करते, लेकिन एक सिंपल लड़के की तरह गया मैं और मैंने उनको बोला कि मैडम मैं आपके साथ में वीडियो बनाना चाहता हूँ, एक फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ, सिंपली बोल दिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो भाई ड्यूटी से आया था तो चाय पी रहा हूँ, अभी चाय पीने की आदत पड़ गई है। तो भाई आज की मेरी वीडियो लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए, राइट, कुछ मोटिवेशन है। मतलब मैं मैडम से मिला था इधर पे, आप लोगों को तक बताऊंगा। शुरू करने से पहले अगर जो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और भाई 90,000 वाली, मतलब 90,000 रुपये मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई, मैं उसमें शेयर करूँगा सब कुछ, ठीक है ना। जो जब मेरे 90,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं क्या गिफ्ट दूंगा अपनी यूट्यूब फैमिली को, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने वीडियो बना ली है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा अभी एक दो दिन, मतलब 1 वीक के अंदर में, राइट। तो भाई लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए, कि भाई दुबई में जॉब के लिए लाइफ कैसी होती है, एवरीथिंग लाइक। तो भाई एक मैं मैडम से मिला था इधर पे, यूट्यूब वीडियोज़ बनाती है, ट्रैवल विद ममता। मैंने अभी तक भी किसी भी किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं किया, राइट। तो मुझे लगा कि यार चलो आप लोगों तक मैं मिला था मैडम से, ठीक है ना। कौन है कौन नहीं है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ही मैं मिला उनको, तो मैं मिला और मैं उनको ये नहीं बोला कि मैं यूट्यूब चैनल वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे पास बराबर में जो दुबई में रहते हैं उन लोगों ने पता है कि भाई इधर पे जमजम वाले हैं, ठीक है ना। तो एक फ़ोन की शॉप के वालों ने उनको, मतलब जमजम वालों ने उनको बुलाया था। तो मैं उधर से निकल रहा था शाम के टाइम में, मैं मेरा भाई, दोनों हम लोग निकल रहे थे। तो मुझे पता लगा कि भाई इधर पे मैडम आई हुई है इधर पे, ममता जी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना मैं उनके साथ, मतलब कैसा उनका बिहेवियर है, जैसे मैं वीडियो में देखते हैं, लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसी हैं या नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार, क्योंकि आप लोगों ने पता है दुबई में जितने मोस्टली, मतलब 90% लोग जितने यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब चैनल के सामने कुछ और होते हैं वीडियो में, लेकिन रियल लाइफ में नहीं देते हैं, ऐसा ही है ना। तो मैं तो सिंपल बंदा हूँ, देसी जैसा हूँ। जितने बंदे मुझे मिले हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, जैसा मैं वीडियो में देखता हूँ उससे अच्छा ही मैं, मतलब रियल लाइफ में होता हूँ, राइट। तो मैं जैसे उनसे मिला, तो उनका नाम है ममता जी, राइट, मैंने जैसे पहले बताया उनका चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। तो जैसे ही मैं उनसे मिला उधर पे शॉप पे, मैं वीडियो ऐड करूँगा और मैंने उनसे बात भी किया, आई थिंक 3-3.5 मिनट मैंने उनसे बात किया, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और रियली में वो एक, मतलब लड़कियों के लिए मोटिवेशन है। देखो मैंने उनसे पूछा, उनका भी जो स्टार्टिंग जो लाइफ था, उन एयरलाइंस में जॉब किया, वो बड़ा हार्ड वर्क किया उन्होंने अपनी लाइफ में। आज देखो मतलब एक अच्छा उनका यूट्यूब फैमिली है, अच्छा पैसे भी कमाते हैं और एक अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं, लाइफ भी अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। लगी जो उनका नेचर है, राइट, वो जैसा वीडियोज़ में दिखता है ना, मेरे हिसाब से उनसे भी अच्छा, मतलब रियल लाइफ में मुझे लगा, राइट। तो इसलिए मुझे लगा कि यार आप लोगों तक वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो जितनी भी लड़कियाँ मेरी वीडियोस देखती हैं, तो यार जब मैं कर सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, सही है ना। तो दुबई में देखो, सबसे पहले तो गर्ल्स की सेफ्टी में कोई चक्कर ही नहीं है, इधर पे पूरी सेफ्टी 100% है, ठीक है ना। और अपनी लाइफ को कहाँ से, मतलब अब मैडम जहाँ भी जाती है एक VIP गेस्ट की तरह जाती है, राइट। तो वो मतलब एक अपने आप में लोग, मैंने भी फ़ोटो लिया उनके साथ में, उनके साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो एक लड़की होने के बावजूद, मतलब बोलते हैं ना लड़की, भाई लड़की आजकल लड़कों से आगे जा रही है, ठीक है ना। तो आप क्यों नहीं जा सकते? और मेरे को कमेंट आते हैं हम लड़कियां जॉब कर सकती है नहीं कर सकती, भाई सेम इंडिया की तरह ही इधर पे भी लाइफ है, सही है ना। मेरा कहने का मतलब है, मैंने तो मैडम के यूट्यूब चैनल को भी, भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी जाके सब्सक्राइब करें, वो मुझे नहीं जानते, ठीक है ना। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको ये नहीं बताया मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और ये आई थिंक अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है मैंने वीडियो बनाई।
ये वीडियो आप लोगों तक मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मैं कर सकता हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, तो मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और लड़कियों के लिए देखो, मैडम ने कहाँ से स्टार्ट किया तो आज VIP गेस्ट की तरह, मतलब एक हाई लेवल प्रोफाइल मैडम की है अभी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो मेरा बताने का इस वीडियो में है, उनका नेचर एकदम सिंपल है, जैसे वीडियोस में है ऐसा ही है। और मेरे साथ में, मतलब अगर जो मैं उनको बोलता कि मैडम मेरा यूट्यूब चैनल है, तो शायद क्या होता है ना कि अलग से बात करते हैं, लेकिन नहीं, उन लोग, मैंने पूछा मैडम मैं आपके साथ में वीडियो बना सकता हूँ, सीधा बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप वीडियो बनाएं, फ़ोटो क्लिक करें, कोई चक्कर नहीं। तो लेकिन इधर पर लोग मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देते ऐसे ही है ना। तो जो जिन लोगों को भाई मेरा वीडियो देखते हैं, तो भाई मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करो और उनको बोल दो, ठीक है ना, कि हाँ भाई कि मैडम जी, देसी गुरु जी ने आपके साथ में पता था कि भाई मैं भी कोई YouTube वीडियोस बनाता हूँ, तो आप लोग भी कमेंट कर दो उधर पे मैडम की वीडियो, के मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, ठीक है ना, और आप लोगों तक शेयर करूँगा मैं इसमें एक स्टार्टिंग में। और एक बात, मेरी वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं कि हम जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो भाई मैडम को देख लो, जॉब कर रही थी, आज VIP बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, एटीट्यूड नहीं है मैडम के अंदर, सही है ना। मतलब मैं पहली बार किसी का वीडियो में YouTube का नाम और उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी लगता है जो अच्छा है अच्छा होता है, जो बुरा है मैं बुरा बोल देता हूँ, बस मेरे में यही प्रॉब्लम है, अच्छे को मैं अच्छा बोल देता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मुझे मैडम का नेचर, उनकी बात करने का तरीका, दूसरों को सपोर्ट करने का तरीका मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आज उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। अगर जो मुझे को उनका अच्छा नहीं लगता, तो मैं बुरा बोल देता, सीधी सी बात है, सही है ना। लेकिन अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। तो मैडम के भी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई जाके उधर पे, और मैडम को भी बता दो कि भाई देसी गुरु जी के YouTube चैनल पे आपको वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जल्दी मेरा गिव अवे का, मतलब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं 90,000 क्या गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं अब तक लोग बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय।